जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस एटॉमिक नंबर। सो देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एटॉमिक नंबर? यू आल्सो नो दैट व्हेन वी से अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट मींस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एटम्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सो देन वेरी इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि एटॉमिक नंबर है क्या, क्योंकि जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो विदाउट एटॉमिक नंबर्स हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो देन सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर, दैट मींस हमें किससे कोरिलेट बात करनी है, एटम से। किससे बात करनी है? एटम से बात करनी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर। एटम्स में क्या क्या होता है आपको पता है, जो मेरे पास एटम्स है, एटम्स में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इसके अराउंड क्या प्रेजेंट्स होती हैं, सेल प्रेजेंट्स होती हैं, और इस सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मींस न्यूक्लियस के अराउंड सेल है और उस सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मेनली अगर हम एटम्स को देखें तो एटम्स में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें एटॉमिक नंबर्स की बात करनी है, एटॉमिक नंबर समझना है, आपको ये समझना है किसी भी एटम्स के, दैट मींस किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस पर जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। दैट मींस हम राइट कर सकते हैं द पॉजिटिव चार्ज, the positive charge present on the nucleus of an atom is called atomic number, is called atomic number, that means कोई भी atoms है और उस एटम्स के न्यूक्लियस पर जो भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो दैट मींस हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर फार्मूला क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन्स भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यहां पर हमें ये देखना है, अभी मैंने बात की कि यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये किसी भी न्यूट्रल एटम्स की हम बात कर रहे हैं, आयंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम्स की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ओके? तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एटम्स है। जहां पर हम देखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात नहीं करनी है, हमें जो इंपॉर्टेंट थिंग ये समझनी है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम्स। तो दैट मींस जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक चार्ज की इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। और जैसे कोई एटम्स है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो जैसे ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ऐसे हम राइट करते हैं, ये आता है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये बीच का हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम किसी एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात कर लें तो ये क्या होता है, सिंबल होता है,
ये क्या होता है, सिंबल होता है, और ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास। यहां पर जो राइट किया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। दैट मींस अगर हम बात करें कि कोई सिंबल है तो सिंबल में हम दो चीज देखेंगे, एक सबस्क्रिप्ट देखेंगे, एक सुपरस्क्रिप्ट देखेंगे। तो सबस्क्रिप्ट फॉर्म में क्या राइट किया जाता है, एटॉमिक नंबर राइट किया जाता है। जैसे मेरे पास क्या है, सी, और यहाँ पर 6 राइट किया गया है, और यहाँ पर क्या है, 12 राइट किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये हो कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो देन द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे हम लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दैट मींस इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऐसे राइट किया गया है, और यहाँ पर आप देखें तो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। तो टोटल हमें समझना है जो एटॉमिक नंबर है वो कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन्स कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस होता है। तो दैट मीन्स ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है, और क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। कोई भी न्यूट्रल एटम होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट मींस वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर के। यहाँ पर ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, दैट मींस यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन होता है, फिर क्या होता है, हीलियम होता है, लिथियम है, बेरियम है, फिर यहाँ पर बोरान कार्बन नाइट्रोजन, बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये एलिमेंट्स है। ये कैसे अरेंज किए गए हैं, ये अरेंज किए गए हैं एटॉमिक नंबर के बेस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किस पे अरेंज किए गए हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किए गए हैं। तो इसलिए एटॉमिक नंबर हमें जानना है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।